माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के उत्तर भारत सहित प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले तीन दिन से असामयिक तेज बारिश और आंधी के कारण किसान की खड़ी फसल चौपट हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के उन तमाम इलाकों के अंदर जहां गेहूं, धनिया, सरसों, चना तमाम फसलें कटने की स्थिति में आ गई थी, जीरा इसबगोल, उन तमाम फसलों की इस तेज बारिश के कारण फसलें चौपट हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इस बार राजस्थान और प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर गेहूं की फसल बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से तेज बारिश के कारण और अंधड़ के कारण किसान की फसल की लहर, जो फसल कटने में तैयार थी, कई फसलें कट के खेत में पड़ी हुई थी, वह किसान बर्बाद हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, उसकी लागत का पैसा भी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से उसको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जो राष्ट्रीय आपदा कोष है, उससे नहीं मिल पाता है। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार से इतना ही अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार को भी अभी केंद्र ने अंशदान बढ़ाया है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकार मिलकर जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई है उसका खेतवार सर्वे कराकर कम से कम लागत का उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि किसान आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं हो। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संभाग कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में गेहूं, धनिया और सरसों, उसकी फसल संपूर्ण चौपट हो गई है। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से मांग है कि एक स्पेशल पैकेज देकर किसानों को राहत दी जाए, ताकि किसान ऋण से डूबने से बचा जा सके।